उत्तराखंड के मौसम को बदलने में समय नहीं लगता। इस समय राज्य का मौसम वाकई रोमांचक मोड़ पर है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड की देवभूमि में बारिश का तूफान आने वाला है। ऐसे में आईएमडी ने पहाड़ी इलाकों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस वीडियो में उत्तराखंड के मौसम का हाल जानते हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार देवभूमि के पर्वतीय क्षेत्रों में जोरदार बारिश की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में गर्मी की चुभन बनी रहेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां बारिश का आनंद लिया जाएगा, वहीं मैदानी इलाकों में गर्मी और धूप का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग केंद्र देहरादून के अनुसार बारिश न होने के चलते राज्य के मैदानी जिलों का मौसम शुष्क बना रहेगा और उमस बनी रहेगी। उत्तराखंड में 13 सितंबर तक एक बार फिर मॉनसून की अच्छी एक्टिविटी होने से राज्य के पहाड़ी इलाकों में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना है। रविवार को उत्तराखंड का मौसम बड़ा ही दिलचस्प था। सुबह तो साफ सुथरा और धूप से भरा हुआ था, लेकिन दोपहर होते होते मौसम ने अपने रंग बदलने शुरू कर दिए। उत्तरकाशी के बड़कोट, यमुनोत्री धाम, नारायणपुरी जैसे क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई। देहरादून में भी सुबह से तपन के बाद दोपहर हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। नैनीताल में भी बारिश का दौर जारी रहा। बीते दिन दोपहर की भारी बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। हल्द्वानी में देवखड़ी नाले का पानी सड़क पर फैल गया और पानी के तेज बहाव ने एक कार को अपने साथ बहा लिया। स्थानीय लोगों ने कार सवारों की जान बचाई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। सच्चाई यही है कि उत्तराखंड के मौसम में हर दिन एक नया ड्रामा होता है। बारिश और धूप का ये खेल ना केवल मौसम को दिलचस्प बनाता है, बल्कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक अनोखा अनुभव बन जाता है और ये कई बार किसी बड़े परेशानी का कारण भी बन सकता है। ऐसे में उत्तराखंड वासियों को सावधान रहने की जरूरत है। लोकल 18 के लिए देहरादून से हीना आजमी की रिपोर्ट।